हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हम यहाँ पे आए हैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए अबाउट सेटलमेंट्स के बारे में। तो आपने सेटलमेंट्स का नेम आई थिंक पहली बार सुना होगा या सुनते रहते होंगे, तो मुझे नहीं पता। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सेटलमेंट्स के बारे में आपको ही बताना चाहती हूँ। तो फिर आप देखिए, इतने प्यारे इतने प्रीशियस सेटलमेंट्स लग रहे हैं गाइस। ये देखिए इसके लीव्स, ओ माय गॉड, कितने ज़्यादा सुंदर, एकदम लोटस के फ्लावर जैसे लग रहे हैं। और आप नेक्स्ट देखिए, और इस सैकुलेंट्स को आई थिंक लक्ष्मी कमल भी बोलते हैं। तो ये देखिए कितने ही सुंदर है। और हम इसको अलग थोड़ा निकाल के नेक्स्ट दूसरे पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फुल हो चुका है गाइस। और भी देख सकते हो, ये जैसे कितने ही प्यारा, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये पीस, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये देखो ये रेड रेड कितना ही प्यारा लग रहा है गाइस। ओह माय गॉड गाइस, देखो इतने सारे सेटलमेंट्स हैं यहाँ पे, और बहुत ही प्रीटी, ये नंबर इतने सुंदर है ना, मैं क्या ही बताऊंगा आपको। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंडोर रखे जाते हैं, और इसमें पानी कम ही होता है, महीने में सिर्फ दो बार, चार बार होगा सर, दो बार, ठीक है। ये जितना छोटा होता है उतना ही मस्ती भरा होता है। तो गाइस मैं बता देती हूँ कि कई लोग हैं जो ये सेटलमेंट्स को गिफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, जो जिसके लिए गिफ्ट मिलता है, और वो उसका तो लड्डू फूट रहे होते हैं दिमाग में, इतना ही सुंदर लगता है ये लोगों को। और इसकी तो टेक केयर भी नहीं करनी होती, ये एक जगह रख दो तो उसको एक हफ्ते बाद देख लो, इससे कुछ नहीं होगा, उसको डर नहीं लगता किसी से। और मैं आपको बता देती हूँ कि आप ना अपने स्टडी टेबल पे, किचन में, मतलब जहाँ मर्जी रख सकते हैं, ये ऑक्सीजन भी देते हैं और लकी भी होते हैं, इसको मतलब लक्ष्मी कमल भी बोलते हैं, इससे मतलब घर में लक्ष्मी आती है। तो आप देखो और लाइक करो, कमेंट करो।